हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को एक और नया डिजाइन बना के दिखाने वाली हूँ। इस वाले कलर कॉम्बिनेशन में ये 4-ply ऊन ली है मैंने। साइज के हिसाब से ऊन लगेगी। अगर आपको टेबल मैट बनानी है तो ज्यादा ऊन लगेगी। सोफा कवर, कुशन कवर, ब्लैंकेट कुछ भी बना सकते हैं। इतना आसान और अच्छा डिजाइन बना के दिखाने वाली हूँ, तो इसके लिए वीडियो पूरा जरूर देखें और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करेंगे। स्टार्टिंग करेंगे 5 chain से। सर्कल बना लेना है। पांच चेन ली है और ये डबल क्रोशिया। 3 chain लेंगे बीच में। डबल क्रोशिया, 1 chain, फिर डबल क्रोशिया। तो इस तरह से इसमें 1 chain ली है, इसमें 3 ली है। इस तरह से इसके 4 part करने हैं। 3 chain, 1 chain, डबल क्रोशिया, 3 chain, 3 chain। इस तरह से इसके 4 part हो गए। थर्ड वाली चेन में डाल के बांधना होता है यहां पर। चार पार्ट हो गए इसके। स्लिप स्टिच, 1 slip stitch हो गया। अब यहां से हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। डबल क्रोशिए, 2 triple crochet, 3 double crochet। ये वाला जो हमने 1 chain लेके बनाया है इसमें बांध लेना है सिंगल क्रोशिए से। 1 chain, इसके बाद फिर 3 double crochet, 2 triple crochet, 3 double crochet। फिर जो ये वाला 1 chain वाला है इसमें बांधना है और इस वाले में 3 chain वाले में बनाने हैं डबल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया। तो इस तरह से इसके 4 part हो जाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से 4 part बना लेने हैं इसके। अब ये वाला कलर निकाल देंगे। अब कलर चेंज करेंगे। कहीं से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो हम यहां से करेंगे इसके बीच में जो 2 triple crochet लिए थे। उनके बीच में से ले लेंगे 1 chain और।
जो ये वाला बीच है इस पर बनाएंगे डबल क्रोशिया, 3 चेन, सेम जगह पर डबल क्रोशिया, 1 चेन, डबल क्रोशिया, 3 चेन और 1 डबल क्रोशिया, और इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं सेम जगह पे, 3 चेन, 1 चेन और 3 चेन इस तरह से। फिर इसके बीच में जो 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाए थे उनके बीच में बांधना, 1 चेन, सेम ऐसे ही यहां पर करना है, इस तरह से 4 डबल क्रोशिया सेम जगह पर, तो ये देखिए 4 पार्ट हो गए इसके, सेम ऐसे ही चारों पे बना लेना है। 1 चेन लेंगे और यहां पर फिर डबल क्रोशिया शुरू कर देंगे, सेम ऐसे ही बनाना है ये वाला पार्ट जो बनाया है। डबल क्रोशिया, 2 ट्रिपल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, और जो बीच में 1 चेन ली है यहां पर बांध लेना है, ये देखिए 1 चेन लेके नेक्स्ट में डाल लेंगे, ये 3 हो गए इस तरह से बन गए। अब जो यहां पर हमने बाद स्टार्टिंग की थी बांधना उसमें भी ऐसे ही बांधना है सिंगल क्रोशिये से, 1 चेन लेंगे और फिर शुरू कर लेंगे, तो इस तरह से ये चारों पे बनाना है इस वाली शेप में। इसे पर्पल कलर लगाएंगे या कोई और कलर लगाना चाहे तो वो भी लगा सकते हैं, अलग अलग कलर में सारे राउंड बना सकते हैं, 3 कलर में बना सकते हैं, 4 में बना सकते हैं, जैसे भी बनाना चाहे। फिर शुरू कर लेंगे, यहां से ही शुरू कर लेंगे, 1 चेन, ये वाला पार्ट बनाना है हमें, तो डबल क्रोशिया, 3 चेन, 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, इस तरह से 4 डबल क्रोशिया सेम जगह पे बनाने हैं और उसके बाद बीच में डाल लेना है 3 जो ट्रिपल क्रोशिया बनाए उसके, ये देखिए सेम इसके जैसा, 1 चेन। अब जो ये बीच में है इसमें भी हमें बनाना है, इसमें 1 ही बनाएंगे, तो 3 चेन लेके
जो ये वाला डिजाइन है इसमें हमें सेम बनाना है और बीच में जो है ये हमें एक ही बनाना है। तो इस तरह से ये बनेगा अब यहां पर, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, जहां पर जो डिजाइन है वहीं पर ये बनता जाएगा और दूसरी जो जगह है ये वाली, इस पर ये वाला सिंगल वाला बनाना है। तो ये देखिए ये पूरे में बना लेना है सेम वैसे ही, फिर यही वाला डिजाइन आएगा, यहां पर दो दो बनेंगे, यहां पर एक बनेगा। सेम डिजाइन चलेगा। इसके बीच में बांध लेना है और एक बार और बना लेना है। यहां पर बांध लेना है। अब एक यहां पर बनाना है यहां से, फिर यहां बांध लेना है और फिर दोनों बना लेने हैं, फिर एक, फिर दो, और यहां पर बांधते जाना है बीच में। तो इस तरह से पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से राउंड कंप्लीट हो गया है। यहां पर जोड़ लेना है, फिर कलर चेंज करेंगे ये वाला। ये दो वाला तो सेम ही चलेगा और यहां पर दो बनेंगे अब की बार, फिर तीन, फिर चार, पांच, छह, इस तरह से कंटिन्यू बनाते जाना है। ये वाला सेम डिजाइन बनेगा और बीच वाला दो बनेंगे, फिर तीन, फिर चार, इस तरह से साइज बढ़ता जाएगा। इस तरह से बना के ये कंप्लीट कर लेंगे। इतना अगर आ गया तो फिर पूरा बनता जाएगा, अपने आप ही डिजाइन बनाना आ जाएगा ये वाला। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आपने तीन चार राउंड ये बना लिए तो आगे का अपने आप ही आ जाएगा। ये देखिए, तो ये एक तो पैर में बनता जाएगा चारों कॉर्नर पे। ये देखिए, एक ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, और जो ये बीच वाली जगह है इसमें एक बना, फिर दो बने, फिर तीन, इस तरह से ये बढ़ते गए, चार, पांच, छह, अब जितना साइज आप बनाते जाएंगे ये बढ़ते जाएंगे। तो बहुत ही आसान डिजाइन है, एक बार अगर आपको आ गया तो आसानी से आप बना पाएंगे। तो आप इससे कुछ भी बना सकते हैं, कुशन का कवर भी ये बहुत अच्छा बनेगा। मैंने पहले भी बना के दिखाया हुआ है कुशन का कवर, थोड़ा अलग डिजाइन था वो, उस हिसाब से आप बना सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये डिजाइन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।